आज हमारे साथ नन्नगरी वार्ड से निगम पार्षद कुमारी रिंकू जी हैं। मैडम, छठ पर्व पर आपकी क्या तैयारियां हैं क्षेत्र में? देखिए, मेरे यहाँ पे सालों से भी ब्लॉक में छठ घाट बनाया जाता है। हमेशा की तरह इस बार भी वहाँ पे तैयारी जोर शोरों से है। और छठ मैया का ये पर्व बहुत ही धूमधाम से पूरी दिल्ली में नहीं, पूरे देश में मनाया जाता है। और इस समय हमारी जो जनसंख्या है, मुझे लगता है कि पूर्वी दिल्ली में 17% जनसंख्या 17% की जो जनसंख्या है वो पूर्वांचली लोगों की है। और मुझे बड़ा कहते हुए दुख होता है कि उनके साथ धोखा किया जा रहा है। सत्ता में बैठी भाजपा सरकार उनके साथ छल कर रही है, कपट कर रही है। ये मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ क्योंकि बड़े बड़े नेता आके छठ घाट पे फोटोग्राफ्स तो खिंचा लेते हैं, मगर उसकी प्रिपरेशन के लिए कुछ बजट जो खर्च हो कि घाट को हम बहुत सुंदर और बहुत भव्य बना सके या उनको टेंट का खर्चा दे सके, ऐसी कोई सुविधा हमारे पूर्वांचली भाई बहनों को नहीं दे पा रही है सरकार। अभी मेरे पास एक सर्कुलर आया है कि दक्षिण दिल्ली में हर साल की भांति इस साल उन्होंने 40,000 रुपये पर घाट दिया है। तो बहुत दुख होता है कि जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है पूर्वांचली भाइयों की, वहां पर 1 भी रुपए का फंड आप लोग छठ घाट के लिए नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे। तो ये तो उनकी मानसिकता दर्शाता है ना। तो इस विषय में आपने क्या कदम उठाए? कदम क्या, मेरा तो आरोप है सीधा सीधा कि केवल वोट बैंक ना समझा जाए पूर्वांचलियों को। पूर्वांचली भाइयों का ये सबसे बड़ा त्योहार है और मैं तो ये कहूंगी कि साक्षात भगवान को वो अर्घ देते हैं, सूरज देवता को अर्घ देते हैं, किसी और पूजन में हम साक्षात देवता को नहीं पूजते हैं। और छठ मैया की कृपा सब पे बनी रहे, यही मेरी। आपकी क्या तैयारियां हैं क्षेत्र में? मैंने आपको बताया बी ब्लॉक में हमारे यहाँ पे छठ